तो सीट को एंटर करते हैं आप सीधा यहाँ पे स्पॉन हो जाएगा। इसके सामने रहेगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा विलेज ना। इस विलेज में टोटल आपको तीन तीन ब्लैक स्मिथ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये विलेज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना। इस विलेज को लूट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी लूट होने वाली है भाई। लूट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस विलेज के अंदर, जहाँ पर आपको भाई आयरन के आर्मर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तीन डायमंड देखने को मिल जाएंगे, तीन तीन पिकेक्स और दो आयरन के स्वॉर्ड, सैडल भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और भाई वगैरह, मतलब लूट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई इस वाले विलेज की ना। आपको इसी स्पॉन लोकेशन से थोड़ा आगे आ जाना है, थोड़ा आगे इन वाले कोऑर्डिनेट्स पे आपको आ जाना है विलेज के अंदर, और उसके बाद इन वाले कोऑर्डिनेट्स पे डी डोंग करते हैं आप सीधा पहुंच जाओगे स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर। तो कोऑर्डिनेट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर आ जाओगे जहाँ पर ऑलरेडी दो आया फेंटर लगे हुए हैं। ना मैं आगे यहाँ पर स्पॉन लोकेशन के पास आ चुका हूँ, और यहाँ से आपको थोड़ा सा लेफ्ट आगे चलते जाना है। थोड़ा सा लेफ्ट इन वाले कोऑर्डिनेट्स पे आते ही आप सीधा पहुंच जाओगे ज़ॉम्बी स्पॉनर के अंदर, जिससे कि आप अपने एक्सपी फार्म भी बना सकते हो। और इसके सबसे पहले वाले चेस्ट में आपको कुछ ऐसी लूट देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आपको गोल्डन एप्पल देखने को मिल जाएगा, और जिसके दूसरी चेस्ट में आपको एक और गोल्डन एप्पल देखने को मिल जाएगा। नाइस ज़ॉम्बी स्पॉनर से थोड़ा सा आगे आपको इन वाले कोऑर्डिनेट्स पे चलते जाना है जो कि पानी के अंदर है। तो इसको डिक डाउन करते हुए आपको ध्यान से डिक डाउन करना है कि यार पानी के अंदर चला ना जाए। तो इन वाले कोऑर्डिनेट्स पे आते ही आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि डायमंड ट्रायल चैम्बर माइन शाफ्ट और स्पॉनर। जी हाँ दोस्तों, आपको सारी चीज़ें इन वाले कोऑर्डिनेट्स पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप नीचे आ जाओगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डायमंड देखने को मिल जाएगा चार, और नीचे आते ही आपको दो डायमंड्स और देखने को मिल जाएंगे, और थोड़ा सा आगे आते ही एक और डायमंड देखने को मिल जाएगा, और आपको फिर इसके बाद सीधा आके आगे आते जाना है। एंड थोड़ा सा आगे आते ही आपको यहाँ पर स्पॉनर देखने को मिल जाएगा ना। इसका जो स्पॉनर है ना, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड की साइड पर यहाँ पर स्पॉन हो चुका है। ये देखो यहाँ पर इसका स्पॉनर देखने को मिल जाएगा, स्पाइडर स्पॉनर है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो चेस्ट है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टिक टाक लूट आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार दिखा देता हूँ मैं, तो इसकी चेस्ट के अंदर कुछ ऐसी लूट आपको देखने को मिल जाएगी। ना मैं यहाँ पर डायमंड वाली लोकेशन पे आ चुका हूँ, तो यहाँ से आपको राइट लेके सीधा चलते जाना है, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा चलते ही जाना है। एंड जैसे आप थोड़ा सा आगे आ जाओगे, आपने देख लिया होगा कि आपको यहाँ पर ट्रायल स्पॉनर देखने को मिल जाएगा। एंड ये ट्रायल स्पॉनर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप इसको बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। आपको इन वाले कोऑर्डिनेट्स पे एक नेदर पोर्टल बनाना है, उसके बाद आपको नेदर के अंदर आ जाना है, और जैसे ही आप नेदर के अंदर आ जाओगे आप सीधा स्पॉन हो जाओगे बेस्टन के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेस्टन है, और जिसके ऊपर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर गोल्ड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे यहाँ पर गोल्ड पड़े हुए हैं, और बाकी बेस्टन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ना इस बेस्टन के ठीक साइड में लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पर एक नेदर फोर्ट्रेस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जिसके स्टार्टिंग में यहाँ पर ऊपर देख सकते हो यहाँ पर स्पॉनर भी है। तो ये सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज़ हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।